आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस डिजिटल इंडिया का डिजिटल चैनल। आज पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के 83वें अवतरण दिवस को संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम हाथरस व इगलास के साथ साथ दत्ता पब्लिक स्कूल कासगंज के बच्चों ने विश्व सेवा साधना दिवस के रूप में मनाया, जिसमें बच्चों को ध्यान योग व प्राणायाम आदि सिखाए गए। इस अवसर पर श्री अरुण भाई जी एवं खिन्नी लाल जी ने सत्संग एवं कीर्तन करके सभी को आनंदित किया। इगलास आश्रम पर महिलाओं को साड़ियाँ वितरित की गई व भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं हाथरस आश्रम पर श्री आसारामायण के शॉर्ट पाठ किए गए। आज संत श्री आसाराम जी बापू इगलास आश्रम पर 83वें जन्मदिन मनाया गया, जिसमें गरीबों को साड़ी वितरण की गई एवं भंडारा और शरबत की प्याऊ लगाई गई। बड़ी धूमधाम से बापू जी का जन्मदिन मनाया गया। आज दत्ता पब्लिक स्कूल में पहुंचे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू का जन्मदिन मनाया गया। अवतरण दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, विश्व सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं और सुबह से कार्यक्रम चल रहा था। बच्चों का भी प्रोग्राम था, युवा सेवा संघ का बहुत सहयोग था, उसके तत्वाधान में भी कार्यक्रम हुआ था। बच्चों को सामग्री वितरित की गई थी और खाना प्रसाद की व्यवस्था भी थी यहाँ पर। ठीक है, पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का 83वां जन्म उत्सव मनाया गया और यहाँ पर बड़े धूमधाम से सभी साधक भाई बहनों ने आकर अपना दर्शन मार्ग दिया, जिससे हम सभी लोगों ने उत्साह से परम पूज्य गुरुदेव का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से हजारों की संख्या में आकर के जो है अपना अपना योगदान दिए और समय दे करके गुरु के मार्ग का बड़े सुंदर ढंग से उत्सव मनाया और ज्योत जलाए और भोजन प्रसादा वितरण हुआ, जिससे सभी साधक प्रसन्नचित हुए और सभी को बड़े उत्साह के साथ अपने अपने स्थान को गए। और यहाँ परम पूज्य बापू जी के शिष्य सतीश भाई जी का 29 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है। अब सभी साधक भाई बहनों को आमंत्रण है, आप जो है आकर के सत्संग का शुभ लाभ लीजिए। यही मेरी तरफ से, अब सभी साधकों को नमस्कार है।